Hey, hello guys, welcome to Vipul Graphics. So guys, today I'm going to teach you about parallel dimension tool. So guys, I'm going teaching you in this video how to use this tool. So as always, don't waste without your time. Let's get started. So guys, इस टूल का आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेना है। यहाँ एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से पैरेलल डायमेंशन टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एक नोट से क्लिक करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीधे दूसरे नोट पे ले जाना है और वहाँ पर आपको माउस का बटन रिलीज़ कर देना है। तो देखिए, आपको कुछ यहाँ पर पैरेलल लाइन शो हो रही होगी। अगर आप माउस को डाउन और अप करते हैं तो कुछ इस तरह से लाइन दिख रही होगी। तो आपको जहाँ भी लाइन चाहिए वहाँ पर आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ चाहिए, मैं यहाँ पर माउस का बटन रिलीज़ कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरा रेक्टेंगल की हाइट है वो कुछ 61.10 mm है। तो अब हमारे पास सेकंड आती है इसकी प्रॉपर्टीज़। में सबसे पहले आते हैं डायनामिक डायमेंशनिंग। डायनामिक डायमेंशनिंग अगर हम यहाँ से अनचेक करते हैं तो इसकी जितनी भी सर्विसेज है ऊपर वो सब डीएक्टिवेट हो चुकी है। तो आपको इस सर्विस का यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको डायनामिक डायमेंशनिंग पे चेक कर देना है। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन स्टाइल में आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला आता है डेसिमल, जो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू शो है। एंड सेकंड आता है फ्रैक्शन। वैल्यू देखिए, जो भी यहाँ डेसिमल वैल्यू थी 0.00 कुछ, तो वो हट चुकी है, ये फ्रैक्शन में आ चुकी है। और थर्ड आता है हमारे पास यूएस इंजीनियरिंग। में एक हिसाब से ये यूज़ किया जाता है, ये उन लोगों के लिए है। और यूएस आर्किटेक्चरल, ये हमारे पास आर्किटेक्चरल वैल्यू आ गई है। और थर्ड हमारे पास आती है प्रॉपर्टी डायमेंशन प्रिसीजन। में आप यहाँ से डेसिमल लेता हूँ। देखिए, डेसिमल में आपको डॉट के बाद कितनी जीरो वैल्यू चाहिए, अगर डॉट के बाद कितनी तक वैल्यू चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इतनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जो डॉट है उसके बाद में इतनी वैल्यू शो हो रही है। और फोर्थ आता है हमारे पास डायमेंशन यूनिट्स। आपको कौन सी यूनिट में ये साइज़ चाहिए, उस साइज़ को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंचेस में चाहिए तो मैं इंचेस ले लेता हूँ। तो देखिए, जो मेरा ये रेक्टेंगल की हाइट है 2.5 इंचेस है। सो गाइस, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिस्प्ले यूनिट। कुछ ऐसे वर्क करता है, अगर आप इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले यूनिट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये पीछे इंचेस से जो शो हो रही है वो अनशो होने लगेगी। देखिए, तो मैं ऐसे यहाँ से वापस से एक्टिव कर देता हूँ। और शो लीडिंग ज़ीरो, गाइस कुछ इस तरह से वर्क करता है, अगर आप जो ये 2 देख रहे हैं अगर इसके आगे ज़ीरो वैल्यू होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। की जो जीरो वैल्यू है, तो डॉट से पहले जो जीरो वैल्यू आ रही है वो शो होना बंद हो जाएगी। तो देखिए ये शो लीडिंग जीरो बटन जो एक्टिव है, मैं यहाँ से डीएक्टिवेट करता हूँ। ये देखिए जिसके आगे जीरो आ रही थी वो शो होना बंद हो गई है। और वापस से अगर हम इसे लाना चाहते थे, यहाँ से हम शो लीडिंग जीरो पे ले आगे एक्टिव कर देंगे। एक्टिव हो चुका है। और प्रीफिक्स में डायमेंशन प्रीफिक्स में टाइप ए प्रीफिक्स फॉर द डायमेंशन लाइन टैक्स, तो इसमें हम जो भी वैल्यू हम आगे ऐड करना चाहते हैं उसे ऐड कर लेते हैं। जो भी हम आगे डालते हैं प्रीफिक्स में, तो मैं दो डालता हूँ और एंटर करता हूँ। ये देखिए जो मेरा ये डेसिमल आ रहा था उसके आगे एक वैल्यू और ऐड हो चुकी है। देखिए ये हो जाएगी है 22.4 इंचेस। और अगर मैं इसके बाद में ऐड करना चाहता हूँ ये लास्ट में इंचेस के बाद में मैं सफिक्स का यूज़ करूँगा। सफिक्स में मैं डालना चाहता हूँ इंचेस, डाल लेते हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले जो डिस्प्ले यूनिट है उसका बटन डीएक्टिवेट कर देता हूँ। और मैं सफिक्स में डालता हूँ 2.2 IN। जो मैंने IN लिया है वही हमें जो इसमें शो होगा। देखिए मैं ऐड करता हूँ। तो प्रीफिक्स का यूज़ हम आगे कोई वैल्यू ऐड करने के लिए करते हैं, एंड सफिक्स का यूज़ कोई भी वैल्यू हमें बैक में चाहिए उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हेयर लाइन। हम इसकी आउटलाइन विड्थ देने के लिए यूज़ करते हैं। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एंड जब 75 यूज़ करता हूँ तो ये देखिए उसकी जो आउटलाइन थी वो बोल्ड हो गई है। एंड कुछ हमारे पास यहाँ लाइन स्टाइल आती है। लाइन स्टाइल में आप जो भी यहाँ से चूज़ करना चाहे वो चूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल एरो हेड रेटिंग है। तो इसमें आप जो भी ये एरो दिख रही है, आप किस टाइप की एरो चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं कुछ लेना चाहूँगा इस टाइप की। तो देखिए हमारे पास शो हो रही है। मैं अभी इसे यहाँ पर जो नॉर्मल वैल्यू है वो रहने देता हूँ। और हमारे पास आता है टैक्स पोजीशन। हमें टैक्स पोजीशन कहाँ चाहिए? हमें टैक्स पोजीशन अगर अबाउ साइड में चाहिए तो देखिए लाइन की जो डायमेंशन है उसके अबाउ साइड में ये आ जाएगा। और अगर हमें इसके थ्रू में चाहिए जो इससे पहले थी इसमें इस लाइन के बीच में आ जाएगी। और टैक्स बिलो, हमें बिलो में इसकी वैल्यू शो हो जाएगी। और जो सेंटर टैक्स बिटवीन एक्सटेंशन लाइन जो भी सेंटर में है उसके एक्सटेंशन ये जो हाई है। और फोर्स टैक्स हॉरिजॉन्टल, फोर्स टैक्स हॉरिजॉन्टल में आप मैं इसे पैरेलल डायमेंशन टूल को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसके नॉट पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ दूसरे नॉट पे। तो वापस से मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। तो ये देखिए मेरी 3 mm जो साइज है वह शो हो रही है। उसके बाद मैं 4 स्टेप्स हॉरिजॉन्टल को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे जो इसकी वैल्यू है वो कुछ इस तरह से शो हो रही है, मतलब हॉरिजॉन्टली शो हो रही है। और मैं अगर हॉरिजॉन्टली नहीं चाहता तो मैं इसे यहाँ से चेक भी कर सकता हूँ, ये देखिए। और नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रॉप बॉक्स अराउंड टेक्स्ट। ड्रॉप बॉक्स अराउंड टेक्स्ट में आप अगर यहाँ पर कोई भी बॉर्डर चाहते हैं अपनी वैल्यू के पास में तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके दे सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे जल्द से जल्द ठीक करेंगे। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।